हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गाइस। आज फिर से एक बार हम लोग खेल रहे हैं पोकेमॉन हार्ट गोल्ड वर्जन। और गाइस, अगर आप लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम लोग यहाँ पर आए थे एक्रूटिक सिटी में, और हमने यहाँ के जिम लीडर को हरा दिया था पिछली बार। और आज हम लोग कुछ अलग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से थोड़ा पीछे जाना है आज। तो जल्दी से पीछे जाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। ओके, तो गाइस हम लोग आ गए हैं पीछे। हम लोग आए हैं अभी गोल्डन रॉड सिटी में, और हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं वो अभी आपको पता चल जाएगा। पहले हम लोग ये अंदर घुस जाते हैं एक कमरे में। ऑल राइट, तो गाइस अगर आप लोगों को याद होगा तो पिछले एपिसोड में हमको एक बंदा मिला था पोकेमॉन सेंटर में, जिसका नाम था बिल। और उसने कहा था कि ये जो पोकेमॉन स्टोरेज सिस्टम है ये उसी ने बनाया है। तो मेरे ख्याल से हमको यहाँ पे बिल मिलने वाला है, और हमको उससे कुछ बढ़िया चीज़ मिलने वाली है। लेकिन वो क्या चीज़ है वो अभी आप लोगों को पता लग जाएगा। तो ये है मेरे ख्याल से बिल, इससे बात करते हैं। बिल, हाय मॉन्टी, वुड यू डू समथिंग फॉर मी एंड टेक दिस ईवी? ऑल राइट, तो हमको यहाँ पे गाइज ईवी मिलने वाली थी, पोकेमॉन ये वाली। और ईवी मेरे ख्याल से काफ़ी फेमस पोकेमॉन है, आप सभी ने उसका नाम सुना ही होगा। इट केम ओवर व्हेन आई वॉज एडजस्टिंग निंटेंडो वाईफाई कनेक्शन। सम वन हैज़ टू टेक केयर ऑफ इट, बट आई डोंट लाइक बींग आउटसाइड। कैन आई काउंट ऑन यू टू प्ले विद इट? अरे भाई, नेकी और पूछ पूछ, ईवी किसको नहीं चाहिए होगा। ऑल राइट, तो गाइज यहाँ पे हमको ईवी मिल जाएगा। वो वेट, यू कांट कैरी एनी पोकेमॉन। अरे अच्छा, शिट भाई, मेरा पार्टी फुल है शायद से। तो जल्दी से काम करते हैं गाइज, सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर में और थोड़ा अपना पार्टी खाली करके आते हैं। भाई ईवी मिल रही है भाई, मतलब मजाक थोड़ी है। तो जल्दी से पहले अंदर जाते हैं। ऑल राइट, पोकेमॉन सेंटर। ओके, और यहाँ पे ये कंप्यूटर होना चाहिए। ऑल राइट, इसको बूट कर लेते हैं। बिल के पीसी में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग पोकेमॉन डिपॉजिट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं डिपॉजिट करने वाला हूँ ड्राउजी को। ऑल राइट, तो इसको हम लोग डिपॉजिट करते हैं यहाँ पे बॉक्स वन में। हाँ भाई, बॉक्स वन में डिपॉजिट कर दिया। ऑल राइट, अभी हम लोग वापस चल सकते हैं। जल्दी से दौड़ लगाते हैं भाई और ईवी को लेके आते हैं। ओके, चलो भाई, चलो जल्दी जल्दी। बहुत ही मतलब ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ईवी जो है वो मतलब वो अपना पिकाचू लेवल का पोकेमॉन है, मतलब काफ़ी फेमस है वो। तो वो मिलना मतलब काफ़ी, क्या कहते हैं उसको, खुशी की बात है। तो जल्दी से चलते हैं। और बिल भाई, चलो दे दो मुझको ईवी। ऑल राइट, वही डायलॉग फिर से। ठीक है भाई, ठीक है। ऑल राइट, आई न्यू वुड कम। ओके ओके, ठीक है, टेक गुड केयर ऑफ इट। ऑल राइट, अपने को मिल गई है गाइज ईवी। ओके, गिव अ निकनेम टू ईवी। नहीं भाई, ईवी इतना सही नाम है। प्रोफेसर एम सेड ईवी कैन इवॉल्व इनटू 7 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोकेमॉन। हाँ, ये तो मुझे भी पता था, इसीलिए ईवी काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि ये 7 अलग अलग तरह के पोकेमॉन्स में इवॉल्व हो सकती है। तो एक बार देख लेते हैं ईवी को अपने। ऑल राइट, ये रही ईवी, इसको देखते हैं, समरी देखते हैं इसकी थोड़ी। ऑल राइट, ईवी लेवल 5 में है अभी ये। इसको जल्दी से मैं इवॉल्व कर लूँगा, काफ़ी मज़ा आएगा फिर इससे लड़ाई करने में दूसरे पोकेमॉन से। ऑल राइट, तो अभी हम लोग यहाँ से गाइस जा सकते हैं गोल्डन रॉड में, हमको यही काम था। तो यहाँ से अभी हम लोग एक और चीज़ जाते जाते कर लेते हैं, कि ये जो गेम कॉर्नर है यहाँ पे, इस बंदे से बात कर लेते हैं, ये जो गेम वाला बंदा है। माई नेम इज़ मिस्टर गेम, माई हार्ट पाउंड्स विद एक्साइटमेंट वेन पीपल इन्जॉय माई कॉइन गेम। इनफैक्ट दैट्स वॉट आई लिव फॉर, यू लुक लाइक क्वाइट अ चैलेंजर, वाई डोंट यू प्ले माई कॉइन गेम? देखो अंकल, अभी कॉइन गेम मैं खेलने नहीं आया हूँ, मैं आपसे बस वो चीज़ लेने आया हूँ जिसमें कॉइन रखते हैं। यू कैन गेट फेबुलस प्राइजेस इफ़ यू। हाँ ठीक है भाई, तो हाँ, कहना है हमको, और इससे हमको कॉइन केस मिल जाएगा। तो ये गेम हम खेल सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग नहीं खेल रहे हैं गेम, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है और ये गेम थोड़ा मतलब क्या कहते हैं अलग है, मुझे इतना अच्छे से आता नहीं है। शो मी हाउ यू प्ले एंड माई हार्ट विल पाउंड विद एक्साइटमेंट। अरे अंकल, अभी नहीं खेलना चाह रहा हूँ मैं निकलता हूँ यहाँ से। ओके, तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो यहाँ पे हमको प्राइजेस मिलते हैं, अगर आप लोग गेम जीत गए और आपको कॉइन्स वगैरह मिले, तो यहाँ पे एब्रा मिल सकता है, एकांश मिल सकता है, फिर ड्राटीनी मिल सकता है। और कुछ है क्या यहाँ पे, दूसरे पोकेमॉन है कोई? नहीं शायद, यहाँ पे पोकेमॉन मिल सकते हैं। और अरे एक सेकेंड, यहाँ पे कोई कॉल आ रहा है क्या? जाने दो, मैं उठाऊंगा नहीं, पहले इससे बात कर लेते हैं। इसके पास क्या है, टेक्निकल मशीन वगैरह भी है और होल्डिंग आइटम्स भी है। ठीक है, क्या क्या है, काफ़ी कुछ है इसके पास। ठीक है, लेकिन गाइज हम लोग यहाँ पे अभी मतलब नहीं करेंगे अपना टाइम वेस्ट, क्योंकि हम अभी गेम वेम खेलने के
पीछे नहीं पड़ेंगे। अभी हमको दूसरी सिटी में भी जाना है, तो पहले यहाँ से निकलते हैं और अभी हम लोग चलेंगे वापस अपने क्या कहते हैं उसको, एक्रोटिक सिटी में, और फिर मैं आपको वहाँ पे मिलता हूँ। ओके गाइस, तो हम लोग अभी आ गए हैं वापस एक्रोटिक सिटी में, और यहाँ पे भी हमको कुछ आइटम्स उठाने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जाना पड़ेगा इस साइड में, इस गेट के थ्रू हमको बाहर निकलना पड़ेगा, और यहाँ पे हमको मिलने वाला है कुछ बढ़िया। तो वो क्या मिलने वाला है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे रूट नंबर 42, और यहाँ पे मेरा रेपल ख़त्म हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको रेपल की ज़रूरत नहीं है। पहले पोके बॉल उठा लेते हैं। ऑल राइट, TM-65 शेडो क्लॉ। ऑल राइट, शेडो क्लॉ। वैसे TMs तो मैं ज़्यादा यूज़ करता नहीं हूँ, फिर भी उठा लिया, अच्छी बात है, चलो रख लेते हैं। हो गए, तो यहाँ पे कुछ होने वाला है अभी। ऑल राइट, ये बंदा जो निकल के आया है, ओ बॉय सॉरी दैट आई बम्प्ड इनटू यू, डिड आई हर्ट यू, प्लीज़ डोंट क्राई हियर, टेक दिस। ओके, सिर्फ धक्का लगने का भाई ये रोना बंद करने के लिए ये सब HM दे दे रहा है। बिल्कुल, मॉन्टी पुट द HM-04। हाँ, तो यहाँ पे हमको HM मिलने वाला था गाइस, और ये HM-04 है। इट्स अ मूव कॉल्ड स्ट्रेंथ। हो गया, मैंने पोकेमोन लर्न्स इट, इट कैन मूव बोल्डर्स आउट ऑफ योर वे, इंजॉय अ हैप्पी माउंटेन क्लाइंबिंग लाइफ। ऑल राइट, तो यहाँ पे हमको HM-04 मिल गया है, तो अभी हम लोग बोल्डर वोल्डर हटा सकते हैं रास्ते से हमारे। ओके, तो अभी हम लोग वापस चलते हैं इस एक्रोटिक सिटी के अंदर, और अभी हमको निकलना है ओलिवाइन सिटी के लिए। तो उसके लिए हमको यहाँ पे दूसरा गेट होना चाहिए, यहाँ पे भाई वहाँ से जाना पड़ेगा, तो जल्दी से चलते हैं। ओके, ओलिवाइन सिटी का गेट, ओके यहाँ पे कहीं होना चाहिए। हाँ भाई, चलो यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी ओलिवाइन सिटी में, तो दौड़ लगाते हैं। ऑलराइट, अच्छा एक सेकेंड रुक जाओ, ये जो सिक्योरिटी गार्ड है ना, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता है, तो इससे थोड़ा बात करते हैं। वेयर डिड यू से यू आर फ्रॉम? न्यू बार्क टाउन, दैट इज़ द टाउन वेयर प्रोफेसर एल्म लिव्स, राइट? यू हैव कम अ लॉन्ग वे टू गेट हियर। ओके, इतना ही बोलना चाहता है, ठीक है कोई बात नहीं। तो कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा कुछ हिंट्स विंट्स दे देते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा बात बात कर ली जाए। ऑल राइट, तो हम लोग आ गए हैं रूट 38 में, और यहाँ से हमको आगे जाना पड़ेगा। और रुको रुको, यहाँ पे क्या है ये पोके बॉल? फुकट का पोके बॉल कभी छोड़ना नहीं चाहिए दोस्तों। ओके, ये है एक मैक्स पोशन, ठीक है मैक्स पोशन मिल गया है, बढ़िया। ऑल राइट, और अभी ये घास फूस वाला रास्ता हम लोग चुनेंगे। ओके, यहाँ से थोड़ा, अरे यहाँ पे एक और बॉल था, ठीक है। अरे यार, मैंने तो अपना रेपेल चालू रखा था, अच्छा नहीं ख़त्म हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं। ये क्या है, रैटिकेट? नहीं चाहिए, जल्दी से इसको स्किप करते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे हमने ये पोकेमोन स्किप कर दिया है, और अभी हम लोग आगे जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है क्या भाई आगे जाने के लिए? अच्छा हाँ, यहाँ पे जगह नहीं है, मुझे लग रहा था यहाँ से आगे जा सकते हैं, लेकिन ठीक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, और जल्दी से पहले रेपेल लगा लेते हैं हम लोग। ऑल राइट, यहाँ पे बैग में मैंने रेपेल रखा हुआ है। ओके, जल्दी से रेपेल लगाते हैं और अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, अब कोई पोकेमोन हमको परेशान नहीं करेगा, पर यहाँ पर ट्रेनर्स भी है, तो ट्रेनर का नहीं भरोसा नहीं कोई, लेकिन पोकेमोन तो नहीं करेगा। ऑल राइट, चलो भाई ये रास्ता पार हो गया है। ओके, अभी मैं ये उठा सकता हूँ क्या? अच्छा नहीं, दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। ऑल राइट, दूसरे रास्ते से जाएंगे हम लोग, लेकिन कैसे जाएंगे? अच्छा ठीक है, छोड़ो जाने दो भाई, एक पोके बॉल ही तो है। ऑल राइट, यहाँ पर ट्रेनर लोग घूम फिर रहे हैं, थोड़ा सा संभल के हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। अरे ये बुढ़ाओ, इसने तो देख लिया। बाओबा, ओ वॉट यू आर होल्डिंग इज वॉट दे कॉल अ पोके डेक्स, हैवेंट सीन वन ऑफ दोज इन एजेस, माई नेम इज बाओबा, आई यूज टू रन अ सफारी जोन इन फूशिया सिटी, बट इट वॉज बिकमिंग आउट ऑफ डेट विद न्यू एंटरटेनमेंट ऑप्शन कमिंग आउट, आई डिसाइडेड टू गो ओवरसीज टू लर्न द न्यूएस्ट टेक्नोलॉजी एंड ओपन अ स्टेट ऑफ द आर्ट सफारी जोन इन सियानवुड। इट मे बी मोर देन अ कोइंसिडेंस दैट वी आर चैटिंग, वाई डोंट वी रजिस्टर ईच अदर्स नंबर इन द पोके गियर, आई कैन गिव यू अ कॉल वंस द सफारी जोन इज ओपन बिफोर आई कॉल एनी वन एल्स, डू यू वॉन्ट टू रजिस्टर? हाँ भाई ठीक है, वैसे भी सफारी जोन काफ़ी सही जगह होती है, वहाँ पे नए नए पोकेमॉन मिल जाते हैं, तो इनको हमने रजिस्टर कर लिया है। बाओबा, आई विल लेट यू नो ओवर द पोके गियर वंस इट्स रेडी। ओके अंकल जी, क्या खुद का सफारी जोन होता है? तो सही है, हमको वहाँ पे जाने को मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए हमको पोकेमोन को, नहीं क्या कहते हैं, पोकेमोन ट्रेनर को डॉच करना है, और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। ओके, ये कौन सी जगह है भाई? रुक जाओ, पहले यहाँ से हम लोग ये उठा लेते हैं।
एप्रिकॉन ट्री। ऑल राइट, ये है एप्रिकॉन, जल्दी से ले लेते हैं। हो गए ग्रीन एप्रिकॉन। लेकिन भाई अभी तक इनसे पोकेमॉल बनते हुए मैंने देखा नहीं यार। वो बंदे को दिया तो था हमने पिछली बार, उसके पास शायद हमको बाद में वापस जाना पड़ेगा पोकेबॉल लेने के लिए, तो जाके देखेंगे बाद में। लेकिन अभी के लिए ये बोर्ड पढ़ते हैं। मू मू फार्म, इंजॉय आवर फ्रेश मिल्क, फ्रेश एंड टेस्टी मिल्क। ऑल राइट, तो ये वो जो दूध वाला पोकेमॉन है जिसका नाम क्या था, मिल टैंक, तो उसका ये फार्म लगता है मेरे ख्याल से। ऑल राइट, इसके अंदर जाना है क्या? रुको, पहले बाहर अंकल से बात करके देखते हैं। हेलो, जस्ट व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट, आई एम कैमरॉन द फोटोग्राफर। यू लुक सो फोटोजेनिक, व्हाई नॉट हैव अ पिक्चर टेकन। अरे नहीं यार, मुझे लग रहा था ये यहाँ के ओनर है, लेकिन ये वो नहीं है। तो हम अंदर जाएंगे और यहाँ के ओनर से मिलना चाहूँगा मैं। ऑल राइट, ये अंकल आंटी यहाँ के ओनर लगते हैं, अंकल से बात कर लेते हैं। माई मिल्क टैंक एंड गिविंग मी मिल्क एंड मोर, दिस हियर फार्म्स गॉट फेमस मिल्क, मोस्ट एवरी वन वॉन्ट्स अ ड्रिंक, इट विल गिव मी लॉट्स ऑफ मिल्क इफ एंड आई फीड इट लॉट्स ऑफ बेरीज, आई रेकॉन। ओके, इनकी अंग्रेजी थोड़ी सी अलग लग रही है, पता नहीं, पर ठीक है, मैं समझ गया। इनके यहाँ की गायें दूध नहीं दे रही है, पता नहीं क्यों। और ये आंटी से बात करते हैं। अवर मिल्क इवन गोज आउट टू कांटो, सो इफ योर अवर ओन मिल्क टैंक वोंट गिव अस एनी मिल्क, वी आर इन ट्रबल। अच्छा भाई, तो इनका दूध जो है वो कांटो रीजन में भी जाता है, और अभी इनकी जो गाय हैं वो दूध नहीं दे रही। चलो हम थोड़ा सा जाके पता लगाते हैं कि भाई माजरा क्या है। ऑल राइट, ये है इनका फार्म मेरे ख्याल से। हाँ भाई, बढ़िया फार्म है वैसे। और यहाँ पे ये शायद इनकी बच्चियाँ होंगी, और ये एक मिल्क टैंक, इससे बात करते हैं। मिल्क टैंक, मू मू, इट्स क्राई इज़ वीक, गिव एन ओरन बेरी टू मिल्क टैंक। ओके, अपने पास है क्या ओरन बेरी? ठीक है, दे देते हैं भाई। ठीक है, इसको दे दिया है, अब क्या होगा? इनसे बात करके देखते हैं। मोमो इज सिक, शी नीड्स लॉट्स ऑफ ऑरन बेरीज। अच्छा, तो ये ऑरन बेरीज से ठीक हो जाएगी। तो मोमो इज सिक, शी नीड्स लॉट ऑफ, लेकिन कितनी चाहिए ये तो बताओ आंटी जी। ये ठीक है, इसको दे देते हैं ऑरन बेरीज, लेकिन कितनी ऑरन बेरीज से ठीक होगी ये तो नहीं पता भाई मुझे। तो इसको जितना मैं दे सकता हूँ उतना दे देता हूँ। ऑल राइट, ओके, थोड़ा लिटिल हेल्दियर दिखा रहा है। और है क्या अपने पास? चलो, अपने पास जितनी है हम इसको दे देते हैं। अच्छा, नहीं है और, ठीक है भाई, इतना ही था हमारे पास। दीदी लोग, मुँह सिक, शी नीड्स लॉट ऑफ ऑरेंज बेरीज। हाँ यार, लेकिन मैं अभी कुछ कर नहीं सकता, माफ़ करना। तो इतना ही था अपने पास, तो यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। यहाँ पे शायद हम इतना ही कर सकते हैं। ऑल राइट, तो मुझे लगता है कि अभी हमने ये जो फार्म है इसका तो सब हमने देख लिया। और यहाँ पे ये जो गायें यहाँ पे डिस्को डांडिया कर रही है, इनसे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मू, अच्छा ये लोग तो भाई हेल्दी लग रही है मुझे। ऑल राइट, इनका तो कोई सिकनेस वाला सीन नहीं हो रहा है, पता नहीं फिर कैसे इनको दूध नहीं मिल रहा भाई। इनके पास तो यहाँ पे चार चार गायें हैं बाहर, और ये हेल्दी भी लग रही है, पता नहीं भाई इनका क्या सीन है। ओके, यहाँ पे ये चीज़ क्या है? ये कोई पता नहीं, कुछ लाइट हाउस जैसा लग रहा है, पर यहाँ पे लाइट हाउस थोड़ा अजीब होगा। लेकिन ठीक है, हमें क्या करना है भाई, हम तो ये पोकेबॉल उठाएंगे। TM60 ड्रेन पंच। ओके चलो भाई, हमको फुकट में काफ़ी TMs मिल रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। तो ये TM हमने उठा लिया है, और अभी हम लोग शायद अब अपने रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ता कहाँ था मैं भूल गया, एक मिनट। ये क्या है? अच्छा, यहाँ से हम लोग जाएंगे तो हम ओलिवान सिटी तक पहुँच जाएंगे। तो आराम आराम से चलते हैं, और किसी ट्रेनर से भिड़ने से थोड़ा बचते हैं। ओके, यहाँ पे ये अंकल जी है, ये भी शायद ट्रेनर ही लग रहे हैं मुझे। थोड़ा आराम से यहाँ से जाना होगा। ओके, ये बंदा पीछे देखे तभी फट से यहाँ से कूदो भाई। ओके चलो, हमने लगभग सभी को डॉच कर लिया है यहाँ पे। और ये बोर्ड पढ़ लेते हैं। यूज हेड बट ऑन ट्रीज टू शेक पोकेमोन आउट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोकेमोन ड्रॉप आउट ऑफ ट्रीज। ओके, तो यहाँ के ट्रीज में बढ़िया बढ़िया पोकेमोन हो सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे कोई कुछ करना नहीं चाहूँगा हेडबट, मैं सीधे सिटी के अंदर एंट्री लेता हूँ। और ये हम लोग आ गए हैं ओलिवाइन सिटी के अंदर दोस्तों, तो देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, ये कौन है भाई? ये तो वही है चोरू चक्का, यहाँ क्या कर रहा है? यू अगेन, देयर इज नो नीड टू बी अलर्ट, आई डोंट बॉदर विथ विम्स लाइक यू, स्पीकिंग ऑफ वीकलिंग्स द सिटीज जिम लीडर इजंट हियर। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब बोल रहा है ये, जिम लीडर को वीकलिंग बोल रहा है, ठीक है। लेकिन एंड इज सपोजिटली टेकिंग केयर ऑफ सिक पोकेमॉन एट द लाइट हाउस। हम बू हू, जस्ट लेट सिक पोकेमॉन गो,
A Pokemon that can't battle is worthless. Why don't you go train at the lighthouse? Who knows, it may make you a bit of a better trainer. Okay, भाई हमेशा गुस्सा रहता है कि ये बंदा, पता नहीं यार, हमेशा सिर गरम रहता है इसका और हमेशा ताने मार के जाता है भाई। किसी दिन इसको गुस्सा मार दूंगा मैं। ऑलिवाइन सिटी पोकेमॉन जिम लीडर जैस्मिन द स्टील क्लैड डिफेंस गर्ल। ओके, यहाँ की जिम लीडर एक फीमेल है और उसके पास कुछ स्टील टाइप होगा मेरे ख्याल से, तो क्योंकि या फिर कुछ और भी हो सकता है पता नहीं, लेकिन स्टील क्लैड वर्ड यूज़ किया है तो मेरे ख्याल से स्टील टाइप ही होने वाला है। इस बंदे से बात कर लेते हैं भाई, ये काफ़ी जानकारी देता है। जैस्मिन द जिम लीडर, शी इज़ एट द लाइट हाउस। शी इज़ बिन टेंडिंग टू अ सिक पोकेमॉन। अ स्ट्रॉन्ग ट्रेनर इज कैम्प कंपैशनेट एट द सेम टाइम। ओके, इतना ही बोलना है अंकल। ओके, तो इससे हमको पता चल रहा है कि जो जैस्मिन है वो लाइट हाउस में किसी इंजर्ड पोकेमॉन की मदद कर रही है। तो जाके देख लेते हैं हम लोग लाइट हाउस में। यहाँ पे लाइट हाउस है किधर? लेकिन इस लड़के से पूछो, क्या नहीं रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूँगा। पता चला भाई कोई ट्रेनर निकला और उससे फिर लड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ढूंढ लेते हैं, आसपास ही कहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से तो। ओके, यहाँ पे ये वाली सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं, इससे पूछ लेते हैं एक बार। डार्क रोड्स आर डेंजरस एट नाइट बट इन द पिच ब्लैक नाइट द सी इज इवन मोर ट्रेंचरस। विदाउट द बीकन ऑफ द लाइट हाउस टू गाइड हर नो शिप कैन सेल। ओके, तो ये लाइट हाउस की बात कर रहा है, मेरे ख्याल से यही होना चाहिए। ओलिवाइंस लाइट हाउस, हाँ भाई, बगल में छोरा और गाँव में ढिंडोरा। वैसे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया था कि ये लाइट हाउस है, बस मैंने बोर्ड नहीं पढ़ा और सबसे पहले इससे बात की। ओलिवाइंस लाइट हाउस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्लिटर लाइट हाउस। ओके, इतना ही। ओलिवाइंस लाइट हाउस, इट इज़ ऑल्सो नोन ग्लिटर। ओके ओके, तो गाइज हम लोग यहाँ पे जाएंगे अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि इस एपिसोड में नहीं जाना चाहिए हमको, क्योंकि अंदर भी काफ़ी कुछ करने के लिए होगा और ये एपिसोड वैसे भी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो मुझे लगता है कि हमको आज यहीं पे रुकना चाहिए। तो अगर आपको ये एपिसोड ज़रा सा पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।